वेलकम टू प्रोफेसर कलिंगर। और आज हम बात करेंगे कि उड़ीसा फुटबॉल जो कि एक अलग ही टाइप का रिवोल्यूशन में चल रहा है, एंड उस रिवोल्यूशन में एक पहला स्टेप लिया गया है बाय उड़ीसा मिनिस्टर एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड प्रमोशन टीम, जिन्होंने 3 फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर्स भुवनेश्वर में बनाया है जो कि 90 करोड़ की ऑलमोस्ट कॉस्ट है। उसमें 6 फीफा सर्टिफाइड फील्ड्स है, including 5 natural and 1 synthetic turf, LED lighting, changing room for players, a gallery, a fitness center, a room for coaches and other utilities, जो कि इस टोटल जो भी हमारा ट्रेनिंग सेंटर को एक स्टेट ऑफ आर्ट बना के इंडियन AIF के पास आया है। और ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है इन द डेवलपमेंट ऑफ उड़ीसा फुटबॉल, नॉट ओनली उड़ीसा फुटबॉल, उड़ीसा स्पोर्ट्स आई कैन से, क्योंकि हॉकी के हम जानते हैं और क्रिकेट में भी हम जानते हैं, और अब फुटबॉल में भी अपना एक स्टेप एक माइलस्टोन हमने गाड़ दिया है। और इसके लिए नवीन पटनायक जी को पूरी तरीके से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जगन्नाथ रहने वाले स्टेट उड़ीसा में ये सब फैसिलिटीज, ये सब जिसको कोई जानता नहीं था, सेड ऑलवेज कि भाई इसको कोई जानता नहीं है, ये स्टेट को आज हर जगह पे अपना नाम कमा रहे हैं और स्पोर्ट्स में तो अलग ही तरीके से नाम कमा रहे हैं। ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है प्लान है ऑन हॉकी फुटबॉल एंड क्रिकेट फॉर इंडियन सॉरी उड़ीसा फुटबॉल उड़ीसा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। सो इसमें ये स्टेप एक बहुत बड़ा स्टेप है। 3 सेंटर होंगे, 3 सेंटर का नाम रहेगा उड़ीसा फुटबॉल अकेडमी, भुवनेश्वर फुटबॉल अकेडमी एंड सेंट्रल फुटबॉल एरिना। सो ये 3 जो है चीफ मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया और हमारे साथ सुनील छेत्री जी भी थे, तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हुआ। बट अभी प्लान भी है कि गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी को एक आर्टिफिशियल टर्फ कंस्ट्रक्ट करेंगे एट ओल एंड केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट। अभी के लिए वो टफ जो सिंधी टफ अभी यूज करेंगे, बट बाद में केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट में और एक बनेगा फॉर वुमेन्स फुटबॉल। बहुत ही बढ़िया बात है, आई वुड लव टू सी कीप डूइंग फॉर फुटबॉल। अभी बात करते हैं कि है कि अहमद जोहा की जो है साइनिंग हो चुकी है, इट्स अ वेरी बिग साइनिंग फ्रॉम नो सर्जियो लोबेरा और एक स्टेटमेंट साइनिंग है। बट इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि भाई फॉल तो आएंगे, जितना पता है कि फॉल तो आएंगे। अब हमारे पास अहमद जोहा हो चुका है, डेलगेडो की हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया है और 8 से 9 प्लेयर जो है हमको छोड़ के जा चुके हैं। तो अब उड़ीसा एफसी या द जगरनेट्स का प्लान क्या है व्हेन कम्स टू एएफसी कप, क्योंकि एएफसी कप हम डेब्यू करेंगे और आईएसएल जो कि सर्जियो लोबेरा के साथ हम आएंगे, क्योंकि हमें एज ए टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम बनना है टू कम्पीट दिस लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स और लॉट ऑफ मैचेस। सो पहला नाम आता है पिंटू सामल जो कि राइट बैक पोजीशन में है, उनके साथ नरेंद्र गहलोत रहेंगे जो कि कन्वेंशनल सेंटर बैक हैं बट राइट बैक खेल सकते हैं, और तो वो एक ऑप्शन रह सकते हैं कि हमारे पास विथ रेथली इज द फर्स्ट चॉइस आरबी, सो पिंटू कैन बी एज ए एक्स स्क्वाड प्लेयर के जैसे ओडिशा एफसी में आ सकते हैं। कमिंग टू अनदर ऑप्शन इज चिंगल सना सिंह, ये हैदराबाद एफसी के सेंटर बैक हैं और उनके टफ चैलेंज और अच्छे परफॉर्मेंस वो लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बट हैदराबाद एफसी में उनकी रिकॉर्ड उतनी अच्छी नहीं रही है, बट ये यहाँ पे उड़ीसा एफसी में आ सकते हैं एंड ही कैन ऑल्सो स्लॉट बैक एज ए लेफ्ट बैक समटाइम्स, एंड मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये एक स्क्वाड प्लेयर बन सकते हैं चिंगल सना सिंह। नाउ द मोर इम्पोर्टेंट प्लेयर इज अबनेसर एल खायती, जिनकी नाम जुड़ी जा रही है, जो कि कैन बी द हाईएस्ट गोल स्कोरर ऑफ दिस सीजन इन द आईएसएल, बट ही कैन प्ले एज अटैकिंग मिडफील्डर रोल, बट देखते हैं कि किस तरीके से उनको मनाया जाएगा उड़ीसा एफसी के मैनेजमेंट और सर्जियो लोबेरा के साथ, बट उड़ीसा कैन गेट इट बिकॉज वो फ्री एजेंट है और ही कैन बी कमिंग टू उड़ीसा। और फॉल के बारे में तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि फॉल विल बी अ ग्रेट साइनिंग। एडू गार्सिया इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन बिकॉज नंद कुमार जो है जा चुके हैं, सो एडू गार्सिया कैन फिट इन टू द रोल और ही कैन बी प्ले, ही हैज एक्सपीरियंस इन बेंगलुरु एटीके एंड हैदराबाद राइट, सो ही हैज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन एशिया एंड आईएसएल। सो 13 गोल 11 असिस्ट इन 40 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल हो चुका है इन आईएसएल, सो ही कैन बी अ वेरी गुड टैलिसमैन फॉर उड़ीसा एफसी एंड सर्जियो लोबेरा। और एक नाम जुड़ के आ रहा है सामद, सामद के नाम भी आ चुके हैं हैदराबाद एफसी की तरफ से, सामद भी आ सकते हैं। सो ये ऑप्शंस है और ये लिंकअप है फ्रॉम सर्जियो लोबेरा विथ दिस प्लेयर जो कि वो ब्लॉस्टर करना चाहेंगे अटैक को। आपका क्या राय है कि कौन से अदर प्लेयर्स शुड कमिंग इन एंड प्ले फॉर उड़ीसा एफसी और सर्जियो लोबेरा को साइन करना चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। दैट्स इट फॉर टुडे।